आज हम जानने वाले हैं रात को सोते समय या खाली पेट लहसुन खाने के पूरे 100 फायदे। लहसुन खाने से ये हो जाएगा, लहसुन खाने से वो हो जाएगा, लहसुन खाने से आपका वीर गाढ़ा हो जाएगा। खाली पेट लहसुन खाने से आपके शरीर की अंदरूनी ताकत पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगी। लहसुन खाने से आपका पुराने से पुराना नजला जुखाम खत्म होगा। लेकिन रुको, आपको तो पता है कि लहसुन एक तामसिक आहार है और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उनको तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ तो आप लहसुन खाने के इतने अच्छे फायदे बताते हैं, लेकिन एक तरफ आप बताते हैं कि लहसुन एक तामसिक आहार है, इसको ब्रह्मचर्य पालन में नहीं लेना चाहिए। तो ये दोगली चीजें मत बताओ। एक तरफ लहसुन खाने के इतने अच्छे फायदे होते हैं, इतने अच्छे अच्छे फायदे बताकर लहसुन खाने को उत्साहित करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तामसिक आहार बोलकर ब्रह्मचर्य पालन में मना कर देते हैं। तो इसी पॉइंट को आज हम विस्तार में जानने वाले हैं। कुछ समय पहले मैंने बताया था कि आयुर्वेद कहता है कि आहार को ऐसा बना लो, आहार को ही ऐसा बना लो कि वही आहार आपके शरीर में मेडिसिन की तरह काम करे। यानी कि भोजन को भोजन के रूप में नहीं बल्कि एक औषधि के रूप में लो। यहाँ पर आपका उद्देश्य सिर्फ जीभ के स्वाद को पूरा करना नहीं बल्कि शरीर की नीड को पूरा करना है, शरीर की जरूरत को पूरा करना है। और शरीर की जरूरत क्या होती है? शरीर की जरूरत होती है कि वह जिंदगी भर रोग रहित रह पाए, जिंदगी भर शरीर को बराबर न्यूट्रिशन मिलता रहे, जिंदगी भर शरीर की सभी धातुओं का बैलेंस बना रहे, यानी कि वात पित्त और कफ बैलेंस में रहे। तो यही एग्जाम्पल को हम लहसुन में फिट करते हैं। लहसुन को सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए, सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक ही होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर लहसुन को आप लेते हैं सिर्फ दवा के रूप में, और हमने कुछ वीडियो पहले नजले को ठीक करने के लिए एक लहसुन का ही प्रयोग बताया था, तो यहाँ पर हम लहसुन को ज्यादा मात्रा में सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि एज ए दवा के रूप में ले रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कोई भी दवा लेते हैं, चाहे वह एलोपैथ हो चाहे वह आयुर्वेद हो, वह हम अल्प मात्रा में ही लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप अश्वगंधा का चूर्ण ले रहे हैं तो आप 50 ग्राम की मात्रा में ले रहे हैं, लेंगे तो आप 5 ग्राम की मात्रा में लेंगे और वो 5 ग्राम की मात्रा ही अपना असर दिखाएगी। ठीक यही अगर आप सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए, सिर्फ उसमें तीखापन बढ़ाने के लिए अगर आप उसमें लहसुन डालते हैं और भर भर के लहसुन डालते हैं, लहसुन की 10-15 कली ऐसे डालते हैं कि वह स्वाद तो बढ़ा देगी लेकिन उसके साथ आपका ब्रह्मचर्य नाश भी होगा। और ब्रह्मचर्य नाश ऐसे होता है कि आपके मन में बेवक्त कभी भी जब आप काम कर रहे हैं तब ही आपके मन में काम वासना उठने लगेगी, तब काम करने के बीच में ही आपका हस्त मैथुन करने का मन होने लगेगा। लहसुन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, वो रही एक बात। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि यह वात की सबसे उत्तम औषधि है, लेकिन वही दूसरी तरफ ये तामसिक होने के कारण ये हमारी बुद्धि के लिए फायदेमंद नहीं है। और यहाँ पर हम सिर्फ लहसुन की ही नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काली मिर्च, हरी मिर्च, सौंठ, हींग जैसे राजसिक भोजन के बारे में भी। इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं लेकिन सिर्फ दवा के रूप में, लेकिन सिर्फ स्वाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि 3 इंच की जीभ के बाद कोई स्वाद नहीं बचता। यानी कि जैसे भी कोई भी चीज, कोई भी जंक फूड जीभ के आगे बढ़ा कोई स्वाद नहीं बचता। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।